दिस इज बुशरा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट अगर मैं आज बात करूँ इमरान खान की तो जब से वो जेल में है पीटीआई कहती है कि उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है बहुत ही बुरे हालात में है वो जेल में फिर जब बात की जाए उनकी मिसिस की बुशरा बीबी की तो वो कहती है कि उन्हें तो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है फिर बात की जा अलीमा खान की तो वो कहती है कि दुनिया का सारा जुल्म मेरे भाई के साथ हो रहा है ये क्या चल रहा है फिर जब इमरान खान खुद ही आ गए हैं आज और उन्होंने बता ही दिया है कि मेरे साथ क्या हो रहा है जेल में तो वो कहते हैं कि जी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी बात का यकीन करूं मेरा अपना दिमाग घूम जाता है कि क्या किया जाए या तो इमरान खान की सुन लेते हैं वो जो कह रहे वो सच है या पीटीआई के लॉयर्स की बात सुने या बुशरा बीबी की सुने या उनकी बहन की सुने खैर हमने तो अब इस फैसले पे पहुंचना है कि आखिर जो बात है वो क्या है और जैन बात हो जो कि मुझे भी मालूम हो और आपको भी मालूम हो इस बारे में मैं आज बात करती हूँ मिस्टर अब्दुल सितार खान से जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स एक्चुअली जैन एंड व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स और मिस्टर इमरान खान के साथ जेल में हो क्या रहा है क्या उनकी स्टेटमेंट पर अब यकीन किया जाए या नहीं किया जाए पाकिस्तानी सियासत में यही होता है कि जब कभी भी कोई लीडर किसी भी सियासी जमात का लीडर अगर जेल चला जाए ना तो उनके सपोर्टर या उनकी जमात जो है ना उनके बारे में तासुर देने की कोशिश करती है कि बहुत जुलम हो रहा है ताकि हमदर्दियाँ ली जाएँ और हम लोग काफ़ी इस मामले में काफ़ी हमारा दिल बड़ा है पाकिस्तान के रहने वालों को बहुत दिल बड़ा है अगर उसके सामने आपने सही तरीके से प्रोजेक्शन कर दी कि उसके साथ बड़ी ज़्यादी हो रही है तो हम हमदर्दी देने को आ जाते हैं तो हर एक सियासी जमात का एक टारगेट होता है कि किसी तरीके से हमदर्दी ली जाए इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि जो हमारा लीडर है ना जेल में उसके साथ जो ज़्यादियाँ हो रही हैं जो जुर्म हो रहा है आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ तारीख में नहीं हुआ यही कुछ होता रहा एक जगह पर अब ये दोनों की बात है एक तरफ इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बेगम और दूसरी तरफ इमरान ख़ान की बहन अलीमा खान अब एक जगह पर बुशरा बेगम जो कि इमरान ख़ान की एहलियाँ हैं वो हमें बताती हैं कि जी इमरान ख़ान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है दूसरी तरफ़ इमरान ख़ान ही की बहन अलीमा ख़ान हमें बताती है मीडिया में बताती है कि जी इमरान ख़ान के चेहरे पे नूर आ गया अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर एक बंदे को स्लो पॉइजनिंग दी जाए तो उसके चेहरे पर नूर कैसे आ सकता है एक तरफ उनकी बेगम बोल रही है दूसरी तरफ उनकी बहन बोल रही है या तो कोई बाहर वाला बंदा बोल रहा हो ना एक आम बंदा बोल रहा हो तो बंदा कहता है यार इन पता है नहीं ऐम ही बोल गया बेगम कह रही है बुशरा बीबी कह रही है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है अलीमा ख़ान कहती है कि इमरान खान के चेहरे पर नूर आ गया अब मुझे नहीं समझ आया आज तक कोई बंदा मेरे ख्याल में इस तरह का नहीं पैदा हुआ जिसको स्लो पॉइजनिंग दी जाए और उसके चेहरे पर नूर आ जाए ये नहीं आज तक हुआ ये हो सकता है पहली दफ़ा हो रहा हो और ये कोई मुआवजा हो जो हो रहा है हमारे सामने अब उसके बाद चले जाते हैं कि इमरान खान को मिलने वालों में इमरान खान की बेगम और इमरान खान की बहन इसके अलावा इमरान खान की जो लीगल टीम है वो उसको मिलती है जेल में जाके अब ऐसा ही होता है कि लीगल टीम मिल रही है बड़े बड़े वकील हैं उन्हीं वकीलों में से एक वकील चेयरमैन भी हो गया है पी का वो वकील आके कहते हैं कि जनाब इमरान ख़ान के बैरक में इमरान ख़ान के कमरे में हर जगह मच्छर ही मच्छर हैं खटमली खटमल ही खटमल हैं उसके दो तीन दिन बाद हकूमत पाकिस्तान हकूमत पंजाब ये अदालत में रिपोर्ट जमा कराती है कि जनाब हम इमरान ख़ान को देसी घी दे रहे हैं देसी मुरग दे रहे हैं और इसके बाद जो कुछ भी वो चाहते हैं उनको मिल रहा है मेरे लिए परेशानी वाली बात हो गई थी मैंने पी टी आई के ये लीगल टीम के एक दो बंदों को फोन किया मैं कहा यार तुम लोग तो कहते थे कि उसके बैरक में मच्छर हैं खटमल हैं हुकूमत ने अदालत में रिपोर्ट दी है कि जी हम तो देसी मुर्ग भी दे रहे हैं देसी घी भी दे रहे हैं और इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं तो आप बोले क्यों नहीं कि हुकूमत झूठ बोल रही है उन्होंने कहा खान साहब जो मिल रहा मिलने तो दें अब देखो एक ऐसी बात है आप हमें बताते हैं कि मच्छर और खटमल हैं बेरह मच्छर खटमल नहीं होते अगर मच्छर खटमल होते इमरान खान के साथ ज़्यादी हो रही होती तो जब हुकूमत की ये रिपोर्ट अदालत में सबमिट हुई है अब देख लें अदालत पकड़ लेगी सीधा हुकूमत को पकड़ सकती है कि जनाब झूठ क्यों बोल रहे हैं अदालत में वो रिपोर्ट दे रही है पी टी आई खामोश है पी टी आई के वकील खामोश हैं मेरे जैसा बंदा पूछता है कि यार की है कि मजाक ही बनाया तो कहने का मतलब होता है वो कहते हैं कि समझ जाओ हमने शोर मचाना होता है हमदर्दियाँ लेनी होती हैं अब ये इस तरह का जेस्चर ये ये सिर्फ़ नहीं है कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान में जो कोई भी अंदर हो गया जो कोई भी जेल में गया फिर उसकी पार्टी ने इसी तरह करना होता है जिस तरह कि इमरान ख़ान की पार्टी इमरान ख़ान के बारे में कह रही वो भी यही करते हैं शोर मचाते हैं कि ओह हो, हो अंदर जो तकलीफ़ में पचाई जा रही ओह हो अंदर जो ओ रहा है आपको नहीं अंदाज़ा किसी के साथ आज तक नहीं हुआ एक तो प्रॉब्लम ये सियासी जमातों की होती है पी टी आई की भी वही प्रॉब्लम निकली कि बस ये आपको बताना चाहते हैं कि जो इसके साथ जुल्म हो रहा है तारीख में आज तक नहीं हुआ अब कितने लोग होंगे जो चाहत में हैं जो सपोर्टर हैं जिनकी हमायत इमरान खान को हासिल है वो तो मान जाएगा हाँ यार बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे लीडर के अब वो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोई थोड़ा इंतज़ार कर लें कोई ऐसी फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाए फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट आ जाए कि जिससे पता चले कि एक्चुअली इमरान खान को किस हालत में रखा गया अब इमरान खान खुद यही आज में इमरान ख़ान खुद कह रहा है कि उसे जेल में कोई तकलीफ नहीं है अब या इमरान झूठा है या बुशरा बेगम झूठी है या अलीमा ख़ान झूठी है अब बताया जाए ना तीनों पीटीआई हैं इमरान खान की एक बेगम है इमरान खान की एक बहन है इमरान खान कहता है कि जी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अब हो ना कि इमरान खान जैसा बंदा जिसने किसी को कभी छोड़ा ही नहीं तो क्या वो ये बात छोड़ देगा कोई ये कहे कि जी मुझे मेरे मुझे तकलीफ पहुँचाई जा रही है तो वो चुप कर जाए भाई ये हो ही नहीं ना सकता कि इमरान चुप कर जाए ये कैसे हो सकता है तो ये होता है कि हमारा जब भी जब कभी भी आता है हम लोग जो ज़्यादातर होते हैं ना लोग वो से पे चलने वाली सोसाइटी हेर से पे है जो हमायती है इमरान खान का वही सुनना चाहता है इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादाती हो रही है और जो इमरान का मुखालफ है वो ये सुनना चाहता है कि जी इमरान को तो कोई तकलीफ पहुँचाई नहीं जा रही उसको तो बड़े आराम से रखा जा रहा है अब इसमें बात आ जाती है कि जब जेल में लीडर सियासी लीडर कोई भी चला जाए दुनिया की तारीख मुख्तलफ है पाकिस्तान की तारीख बिल्कुल मुख्तलि है दुनिया की तारीख में ये होता है कि जब कोई सियासतदान जेल में जाता है उस वक्त उसका करेक्टर क्रीडेंशल्स बाहर आते हैं कि कितनी हौसले के साथ वो जेल काटता वो रोता नहीं है। वो दुहाई नहीं देता वो शिकायत नहीं करता उसके साथ जुल्म भी अगर हो जाए अगर हो जाए तो बोलता नहीं उसे पता है कि मेरे क्रीडेंशल्स इस पे मेरे लोगों ने जाना है नेल्सन मंडेला की बात की जाती है यहाँ तो हर कोई नैलसन मंडेला बनना चाहता है नैलसन मंडेला ऐसे बना जाता है नैलसन मंडेला को जब पकड़ा गया था तो एक जजीरा है जजीरे में उसको लेके गए कि उसको कहा गया कि दिस इज द प्लेस टू लिव एंड दिस इज द प्लेस टू डाई अब नैलसन मंडेला और उसके साथी समुद्र की लहरों को देख के ना तो मुस्कुरा रहे थे उनको नहीं पता इन्होंने जो जिन्होंने हमें अंदर किया ये हमें क्या, क्या कह रहे हैं कि दिस इज द्ले प्लेस टू लिव एंड दिस इज प्लेस टू डाई नेल्सन मंडेला ने बॉडर ही नहीं किया वो मुस्कुरा रहा था हमारे इस तरह का हमारा यहाँ का कुछ सियासतदान होता तो शायद वो आखिरी दिन होता उसको अगर जजीरे में जाके कहा जाता कि जजीरा है ये आइलैंड है ये आपकी जेल है और यहीं पर आपने जीना और यहीं पर आपने मरना है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो सियासतदान हमारे सामने आए हैं जिस क्रीडेंशल्स के साथ आए हैं ये मेरे ख्याल उस दिन आखिरी दिन होता है इनका नेल्सन मंडेला पे मंडेलाईस साल तक अंदर रहा होए होए इनको तो सत्ताईस घंटे नहीं होते तो जीहो पकार शुरू कर देते हैं मैं ऐ नहीं मिलता पा मैं चाह नहीं मिलती पी रोटी नहीं मिलती पी मेरा पखा नहीं चलता पा मेरा हीटर नहीं चलता मेरा ए नहीं चलता पा मैं कंबल नहीं मिले मैं तकिया नहीं मिला मैं सुनाना नहीं मिला अजीब सी बात है मैं कह रहा हूँ कि बाहर बाहर की दुनिया में जब वो अंदर होते हैं ना उन्हें पता होता है कि ये वो मौका है जिस मौके मेरा सपोर्टर मुझे मॉडल के तौर पे लेगा कि रो नहीं रहा चीखो पुकार नहीं कर रहा हाँ आहो पकार नहीं कर रहा, नहीं कर रहा हम रोना पिटना डाल देते हैं ओ मर गए मार गए मार गए मारे गए मारे गए मारे गए मारे गए मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी सियासतदान इतना कमज़ोर क्यों है